G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन होने के बाद मोदी सरकार की काफी सराहना पूरे देश भर में हो रही है, दुनिया में हो रही है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके टीम की तारीफ की है। आज 6:30 बजे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। भारत ने प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन में जो मेजबानी की थी, इसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति हासिल करने में इसमें कामयाबी मिली। इसमें एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में इसे देखा जा रहा है। देश के G20 की सफल अध्यक्षता और ग्लोबल साउथ के मुद्दे की वकालत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए अपना दावा भी मजबूत कर लिया है। हालांकि ये स्वागत समारोह जब खत्म होगा, इसके तुरंत बाद पीएम मोदी चुनावी कामकाज में फिर से जुटने वाले हैं और महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनावों के लिए उम्मीदवारों पर भी फैसला करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति का जो बैठक होने वाला है उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक भी दिल्ली में ही होने जा रही है। इस बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल होंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि आज की ये बैठक बहुत ही अहम होने वाली है। विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, इस पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। खबर तो ये भी आ रही है कि आज की बैठक में मध्य प्रदेश की 50 और छत्तीसगढ़ की 35 सीटों पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब देखिए, इसमें बात ये हो रही है कि 6:30 बजे जब पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुँचेंगे, इस तरह का स्वागत उनका इस नए वाले मुख्यालय में जो लगातार देखने को मिल रहा है। खासतौर से 2014 के बाद जब दूसरी बार 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ और जब पीएम मोदी, अमित शाह दोनों एक बार फिर से वहाँ पर आए थे, जिस तरह से वहाँ पर फूलों की बारिश हुई थी, तो अगर एक बार फिर से आज वैसे तस्वीरें देखने को मिले तो शायद आश्चर्य नहीं होगा। वैसे G20 शिखर सम्मेलन का आगाज जिस तरह से हुआ था और जिस तरह से उसका समापन भी हुआ, इतनी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी, क्योंकि यहाँ यही जा रहा था कि भारत में अगर G20 जैसा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है तो उसे सफल बनाने के लिए चुनौतियाँ बहुत थी। लेकिन जिस तरह से देश में 6 से 7 महीने से लगातार बैठकों पर बैठक चल रही थी और उन्हीं सब बैठकों का ही नतीजा है, ये मोदी के मेहनत का नतीजा है, और जो ये G20 शिखर सम्मेलन आज सफलता से, आज हम सभी लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है, वो बिल्कुल गलत नहीं कहा जा रहा है। वैसे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कई लोग ये कह रहे हैं, अब कई लोग में हम विपक्ष का नाम अगर लें तो विपक्ष के नेता सोशल मीडिया पर, खासतौर से अगर हम कांग्रेस की बात करें, एक ऑफिशियल उनका यूट्यूब चैनल है इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, उसमें G20 के बाद कई तरह की कमियां गिनाई जा रही हैं। कमियां कैसी गिनाई जा रही हैं? कहा जा रहा है कि जिस वक्त देश में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, उसके बाद जो भारत मंडपम है जिसमें ये बैठक हुई थी प्रगति मैदान में, उसके बाहर जब बारिश हुई तो पूरा सराबोर हो गया। तो बारिश तो कहीं भी हो सकती है, इसको आप अपने तरीके से समझिए और कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए कि क्या कांग्रेस का ये आरोप सही है ऐसे समय में। दूसरा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि जो दिल्ली के अंदर आवारा जानवर हैं, चाहे वो कुत्ते हो गए या फिर गाय हो गई या फिर इस तरह के जो आवारा पशु हैं, उनको वहाँ से, जानवरों को जबरन हाथ पैर बांध के उनका लेकर जाया गया और उन्हें कहीं कैद कर दिया गया, कुछ इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तीसरा आरोप ये लग रहा है कि जब G20 की बैठक चल रही थी, बैठक से पहले जो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उन्हें हरे पर्दे से ढक दिया गया था और वहाँ के लोग बिल्कुल परेशान हो रहे थे कि हरे पर्दे के अंदर उन्हें ढक दिया गया है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, समस्याएँ हो रही हैं, सफोकेशन हो रहा है। ये बातें अब कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब आरोपों के बीच में एक बात और कही जा रही है कि G20 शिखर सम्मेलन का जो आगाज हुआ था उसका समापन भी बिल्कुल सफलतापूर्वक हुआ, और कांग्रेस का ये आरोप कितना सही है, कितना गलत है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रोटी इंडिया देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।